स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपकी बुक का पेज नंबर है G8। यूनिट का नाम है बेसिक्स, हार्डवेयर बेसिक्स। और जो टॉपिक है आज का वो है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, काम क्या करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया एक्सपेंशन कार्ड्स में, प्रीवियस लेक्चर में। अब देखते हैं आज का टॉपिक हमें क्या बताता है। मॉडेम, मॉडेम इज यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। कहने का मतलब है कि मॉडेम जो होता है ये क्या करता है, ये जो डिजिटल डाटा होता है इसको ट्रांसमिट करता है टेलीफोन लाइन्स की मदद से, और फिर उस डाटा को ट्रांसफर करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इन अदर वर्ड्स यू कैन से आप जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं, आपको पता है इंटरनेट जो है उसके लिए अवेल करने के लिए हमें कोई ना कोई कंपनी चाहिए होती है। वो करीबन सारी फोन लाइन्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन इन्होंने बनाया होता है आपस में, ये वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज हैं आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या होता है, हम एक जगह पर बैठ के दूसरी जगह पर जो बंदा बैठा होता है दुनिया के किसी भी कोने में, उसके साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ इसलिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिक जो मॉडेम का पर्पस है वो यही है कि इसने डिजिटल डाटा को लेके टेलीफोन लाइन्स की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक ट्रांसफर करना है। तो छोटी सी डेफिनेशन है, इतना लॉन्ग टॉपिक नहीं है, सिंपल है। पूछा जा सकता है व्हाट इज मॉडेम, तो आप कह सकते हैं मॉडेम इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा, या यू कैन से मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, दैट्स ऑल। इतनी सी ये आपकी डेफिनेशन है। इसमें आपने सिर्फ दो तीन वर्ड्स का कहने के इजाफा करना है, वो ये मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज यूज, मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स, ठीक है जी। तो आपने जस्ट इतना सा खुद से इसमें ऐड करना है, मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज, या दैट मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज। आफ्टर दैट ये मॉडेम को रिप्लेस करके उसके आगे आ जाना है, मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती है। पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, उसमें हमने नेटवर्क कार्ड पढ़ा, उसमें हमने ग्राफिक कार्ड पढ़ा, उसमें हमने साउंड कार्ड्स पढ़ा। अब इन कार्ड्स को कहीं लगाने के लिए हमारे पास कोई वे तो होना चाहिए, कोई प्लेस तो होनी चाहिए। एग्जांपल है, आप मार्केट से एक स्विच लेके आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला स्विच। अब उस स्विच को आप अगर उससे कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उस स्विच को आपको किसी सॉकेट के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपके साउंड कार्ड जस्ट लाइक स्विचेस हैं, और आपकी जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं यानी आपके जो एक्सपेंशन कार्ड्स हैं वो जस्ट लाइक स्विचेस हैं, और आपकी जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं वो जस्ट लाइक सॉकेट्स हैं, ठीक है। यानी जो साउंड कार्ड्स हैं वो स्लॉट्स में ऐड होंगे, ठीक है, वो उनको उधर हम प्लेस करेंगे, देन वो कम्युनिकेट करेंगे, देन वो वर्क करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक्सपेंशन कार्ड्स तो हमने रीडोट कर लिया, एक्सपेंशन कार्ड्स तो हो गए, एक अलग बात हो गई, बट उन कार्ड्स को लगाने के लिए कोई हमारे पास प्लेस भी होनी चाहिए। तो मदरबोर्ड के ऊपर कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, ठीक है, वो जस्ट एक्ट करती हैं एज ए सॉकेट, ठीक है। उन स्लॉट्स के अंदर फिर ये जो एक्सपेंशन कार्ड्स हैं ये लगा दिए जाते हैं, और ये जो कंप्यूटर है वो उन जो नए फीचर्स हैं उनके यूज़ करके कार्ड्स के उनको उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब जी एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, एन एक्सपेंशन स्लॉट इज अ सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड दैट कैन होल्ड एन एक्सपेंशन कार्ड। वही बात मैं आपको बता के अभी भी हटाऊँ क्या, कि एक्सपेंशन स्लॉट जो है बेसिकली एक सॉकेट है जिसके अंदर आपके एक्सपेंशन कार्ड जो होंगे वो लगाए जाएंगे। दीज एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट टू एक्सपेंशन कार्ड टू द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है जी। दीज एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये एक्सपेंशन स्लॉट जो हैं ये एक्सपेंशन कार्ड्स को कंप्यूटर के मेन फंक्शंस के साथ, मेन सर्किट के साथ, मेन कंपोनेंट्स के साथ अटैच करती हैं, ठीक है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स फाउंड इन द मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न
जो कंप्यूटर्स हैं, जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, उनमें थ्री टाइप्स की एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। नंबर वन PCI, ठीक है। नंबर दो AGP एंड ISA। अब ये PCI किसका एब्रीवेशन है, AGP किसका एब्रीवेशन है, ISA किसका एब्रीवेशन है, ये हम अगले टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दे डिफर प्राइमरी इन हाउ फास्ट दे फास्ट इंफॉर्मेशन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। ये कहता है ये जो स्लॉट्स का उसने बताया थ्री टाइप्स की होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये इनके जो स्पीड का डिफरेंस होता है, ठीक है, कौन सी स्लॉट कितनी रैपिड स्पीड के साथ वो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। ये जो है ये इसकी टाइप में से ये डिफरेंस है इसका स्पीड का, इन अदर वर्ड्स। नेक्स्ट आगे जो टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स, नंबर वन आ गया PCI। PCI स्टैंड फॉर पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकोनेक्ट। पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकोनेक्ट मीन आप कह सकते हैं कि जो पेरीफेरल डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स को पेरीफेरल डिवाइस के साथ इंटरकोनेक्ट करवाने के लिए यूज की जाती हैं। वैसे तो जितने भी आपकी ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं इनका पर्पज यही होता है कि इन्होंने आपके मेन कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड के साथ अटैच करना होता है, उसकी मदरबोर्ड की जो फंक्शनैलिटी है उसको इन्हांस करना होता है। अच्छा जी, PCI इज द मोस्ट कॉमन एक्सपेंशन स्लॉट फाउंड इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स। मॉडर्न कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली एक्सपेंशन स्लॉट है वो PCI है। इट इज यूज फॉर साउंड कार्ड्स, साउंड कार्ड्स के लिए, ग्राफिक कार्ड्स के लिए और नेटवर्क कार्ड्स के लिए यूज होती है। देर आर टिपिकली टू फोर PCI स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर 2 से 4 PCI स्लॉट्स होती हैं। कहाँ पे होती हैं ये देखिए जी, ये हमारी PCI स्लॉट्स हैं, ये व्हाइट कलर की होती है देखिए, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर 5 भी है, 6 भी है, बट जो मॉडर्न मतलब इन अदर वर्ड्स कह लें कि जो कॉमन है ना एक मदरबोर्ड, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मदरबोर्ड है उसके ऊपर 2 से 4 ये PCI स्लॉट्स होती हैं और ये इस कलर की होती है। ये जो स्लॉट्स हैं आप इनको मदरबोर्ड के ऊपर व्हाइट कलर की, इनको आप PCI स्लॉट्स बोलेंगे। इनमें आप कार्ड्स वगैरह, नेटवर्क कार्ड वगैरह, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह ये वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ISA स्लॉट्स। ISA स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ISA इज एन एक्सपेंशन स्लॉट फाउंड ओनली इन द विंडोज बेस्ड कंप्यूटर। नाउ क्वेश्चन इज दैट What is it mean Windows based computer? सारे कंप्यूटर में विंडोज ही होती है तो इसने ऐसा क्यों बोला कि ISA is an expansion slot found only in the Windows based computer? तो listen, Windows के अलावा भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे Apple के जो लैपटॉप्स हैं, Apple के जो PC हैं, उनमें Mac यूज होता है, ठीक है, उसके अलावा Linux यूज हो रहा है, ठीक है, लिनक्स भी एक विंडोज की तरह का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा लिनक्स के भी कुछ वर्जन हैं जिनमें लिनक्स मिंट आता है, जिनमें यूबंटू यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि आप देखें आपके मोबाइल फ़ोन है, मैं बात को सॉरी अगेन वो रिपीट करता हूँ, आपका जो मोबाइल है, आप जो एप्पल के मोबाइल होते हैं उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, जो विंडोज़ मोबाइल होते हैं उनमें विंडोज चल रही होती है, ठीक है। तो इन इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो काफ़ी टाइप्स की हैं, बट जो फेमिलियर आवाम जो कह रहे हैं कि ज़्यादा हमारी कंट्री में या जो लोग कंप्यूटर के साथ अनटच हैं उनके माइंड में सिर्फ कंप्यूटर की एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसको विंडोज कहते हैं, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है ISA एक्सपेंशन स्लॉट सिर्फ उन कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है जिनके ऊपर विंडोज इंस्टॉल हो, ठीक है। इट ऑपरेट्स एट अ मच स्लोअर स्पीड देन PCI। जो ISA होता है एक्सपेंशन स्लॉट होती है इसकी स्पीड PCI से स्लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं AGP। AGP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। अब देखें एक्सेलरेटेड ग्राफिक, जब बात ग्राफिक की आ जाए तो इट मींस जहां तक भी बात जाएगी ये जितना भी मतलब लेसन हमारा एक्सपैंड होगा बात किस की आएगी, वीडियोस की, आपकी डिस्प्ले की, ठीक है।
तो इसमें बताया जाएगा कि ये जो AGP होता है, ये बेसिकली ये स्लॉट जो होती है ये ग्राफिक कार्ड्स को लगाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, कंप्यूटर के ग्राफिक्स जो हैं, वीडियोस की क्वालिटी जो है, इमेजेस की जो क्वालिटी है, जो डिस्प्ले क्वालिटी है, वो इन्हांस हो जाती है, ठीक है। तो रीड आउट करते हैं, AGP इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सपेंशन स्लॉट यूज्ड फॉर अ ग्राफिक और वीडियो कार्ड। AGP जो है कहता है ये स्पेशलाइज्ड एक स्पेशल किस्म की एक्सपेंशन स्लॉट है, ठीक है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करना होता है, ग्राफिक कार्ड को इंटर वो आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है, या कम्युनिकेट करवाना होता है। AGP ऑपरेट्स एट अ मच फास्टर स्पीड देन PCI। अब जो पहले वो कहता है जी PCI फास्ट है, फिर कहते हैं ISA PCI से स्लो है, अब वो कह रहा है AGP जो है ये क्या करता है, AGP जो स्लॉट है ये PCI से भी फास्टर है, ठीक है जी। तो अब ये स्लॉट्स लगाई हैं, देखिए ये वाइट कलर की जो स्लॉट्स हैं ये हमारी PCI स्लॉट्स हैं, ठीक है, और इनमें जो कंपोनेंट्स लगेंगे, इनमें जो कार्ड्स लगेंगे, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, उनका साइज भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उनकी जो सॉकेट्स हैं, जो पिन हैं, वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। ये देखें, अब ये ISI है ये वाली, ठीक है, ISA सॉरी, तो ये ISA ब्लैक कलर की लगाई हुई है उन्होंने, ठीक है, ये PCI से थोड़ी सी बड़ी होती है, और AGP जो है ये PCI से थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स AGP दोनों स्लॉट से छोटी होती है, ठीक है। अब हमारे जो आज का लेक्चर है इसका रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन मैं बताता हूँ, आपका यूनिट का नाम है हार्डवेयर बेसिक्स, पेज नंबर 8 है। हमने पहले पढ़ा मॉडेम क्या होता था, हमने पढ़ा मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है जी। आफ्टर दैट हमने पढ़ा एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, हमने पढ़ा एक्सपेंशन स्लॉट्स आर जस्ट लाइक अ सॉकेट्स दैट आर बिल्टन आर लाइज ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स इज टू कनेक्ट एक्सपेंशन कार्ड्स विद द मदरबोर्ड। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट, हमने पढ़ा देर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स, नंबर 1 PCI, नंबर 2 AGP, नंबर 3 ISA। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा कि इन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 एक्सपेंशन स्लॉट्स, तो हमने डिफरेंस ये पढ़ा दीज स्लॉट्स आर डिफर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज स्लॉट्स आर इट्स स्पीड या देयर स्पीड्स, ठीक है जी। तो स्पीड का जो डिफरेंस है उनकी वजह से ये स्लॉट्स डिफरेंस हैं, ठीक है। हमने फिर पढ़ा PCI स्लॉट क्या होती है, PCI स्लॉट्स इज ओनली यूज फॉर कनेक्टिंग PCI कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड्स सच एज मॉडम, सॉरी सच एज नेटवर्क कार्ड, मॉडम भी कह सकते हैं, एंड साउंड कार्ड एंड ग्राफिक कार्ड। आफ्टर दैट हमने पढ़ा ISA क्या होती है, ISA हमने ये बताया कि ये जस्ट विंडोज बेस्ड कंप्यूटर के ऊपर यूज होती है, ठीक है, और इसकी स्पीड जो PCI से स्लो होती है। आफ्टर दैट हमने AGP पढ़ा, तो AGP हमने पढ़ा इट्स अ स्पेशलाइज्ड एक्सपेंशन स्लॉट ओनली यूज्ड फॉर इनहांसिंग ग्राफिक क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी। और हमने ये पढ़ा AGP ऑपरेट्स एट अ मच फास्टर स्पीड देन PCI, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाए तो काइंडली ज़रूर पूछा करें, ठीक है। तो जो चीज़ अब देखें, हम अपनी कोशिश फुल कर रहे हैं कि आपको जितना बेहतर तरीके से हो सके आपके साथ कम्युनिकेट करके आप तक नॉलेज जो है वो स्प्रेड किया जाए। तो अगर आप अभी भी थोड़ी सी तैयारी ना करें, इस पर थोड़ा सा फोकस ना करें, तो हमारी एफर्ट तो वेस्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऑनेस्टली इसको फोकस किया करें, डेली इसको रीड आउट किया करें, जो टॉपिक्स मैं बताता हूँ टॉपिक्स को रीड आउट करके मेमोराइज किया गए, ठीक है। तो जहाँ कहीं आपको कोई मसला मसाइल आता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है, तो वो हमसे पूछ लिया करें, ठीक है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।